गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, ये हमारी क्लास सेवन्थ का चैप्टर थर्ड का थर्ड पार्ट है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ देख ली थी, जैसे इंटरनेट देख लिया था, हाइपरलिंक के बारे में देखा था, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम इंटरनेट की कुछ और बेसिक जो यूजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करना, ब्लॉगिंग करना, इसके अलावा ई कॉमर्स साइट्स का यूज़ करना, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है, या फिर जो नेटवर्क ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं। सो इट इज़ सर्विस ऑन द इंटरनेट दैट इनेबल्स अस टू कनेक्ट विद पीपल हु शेयर सिमिलर पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरेस्ट। तो देखो, ये देखा जाए तो एक सर्विस टाइप की होती है, ठीक है, जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। बिना इंटरनेट के हम इस सर्विस का यूज़ नहीं कर सकते। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि कई सारे लोगों को आपस में मिलने का मौका देता है, ठीक है ना। आपस में लोग आप कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो अपने जान पहचान के लोग हो सकते हैं, या फिर आपके प्रोफेशनल्स जो आप काम कर रहे हैं, आपके प्रोफेशनल्स फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो हर किसी से आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कनेक्ट हो सकते हो आसानी से। On most social networking sites, the member are connected to each other as friends and so on, ठीक है। अब देखो, नेटवर्किंग साइट पर आप हर किसी से कनेक्ट हो सकते हो, चाहे आपका दोस्त हो, आपके दोस्त के दोस्त हो, या कोई भी हो, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट इज टू कीप ट्रैक ऑफ वाट इज गोइंग ऑन इन द लाइफ ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स, स्पेशली द पीपल विथ हुम वी डू नॉट मीट डेली। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू एक्सपेंड आर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो, अब इसका उद्देश्य क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, ठीक है। देखो, इसका पर्पज़ है कि हम उन लोगों के बारे में जान सकें जिनसे हम डेली नहीं मिल पाते, चाहे वो अपने फ्रेंड्स हों, कलीग्स हों, रिलेटिव्स हों, ठीक है ना। वो डेली क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, आज का हर एक यूज़र जो है ना, हर एक व्यक्ति जो है, अपने फ़ोटोज़ हुआ, अपने इवेंट्स हुआ, जो भी कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन सोशल नेटवर्किंग साइट पर फोटो अपलोड कर देता है, पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देता है, ठीक है। तो हमको उससे डेली का अपडेट मिलता रहता है, ठीक है, जिससे हम रोज़ मिल भी नहीं पाते, उनके बारे में भी हम आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो एक ऐसी साइट्स होती है जिससे हम लोगों के बारे में जान सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है, उनके डेली रूटीन के बारे में, या फिर उनकी इवेंट्स वगैरह के बारे में आसानी से जान सकते हैं, ठीक है, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, जो लोगों से शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे एक है ओरकुट। सो ओरकुट इज़ एन इंटरनेट नेटवर्क सर्विस रन बाय गूगल। इट इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स क्रिएटर ओरकुट ब्यू कोकटेन, ठीक है, एन एम्प्लॉय ऑफ गूगल, ठीक है। देखो, ओरकुट जो है एक इंटरनेट सर्विस है, ठीक है, जिसे गूगल चलाता है, ठीक है ना। इसका नाम जो है, इसका जो क्रिएटर है, जिसने इसको बनाया था, जो कि गूगल का ही एक एम्प्लॉय थे, ठीक है ना, उनके नाम पर रखा गया है। इनका नाम था ओरकुट ब्यू कोकटेन, ठीक है, इनके नाम पर ही इसका नाम ओरकुट रखा गया है, ठीक है। इट क्लेम्स इट टू बी डिजाइन टू हेल्प यूजर्स मीट न्यू फ्रेंड्स एंड मेंटेन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखो, जो बनाया गया था ना ओरकुट, वो इस पर्पज से बनाया गया था ताकि आप नए फ्रेंड बना सको, दूसरे लोगों से मिल सको ऑनलाइन, ठीक है, और जिन लोगों से आपकी दोस्ती है उसको मेंटेन कर सको। सिमिलर टू फ्रेंडस्टर एंड माई स्पेस ओरकुट गोस अ स्टेप फर्दर बाय परमिटिंग द क्रिएशन ऑफ इजी टू सेटअप सिंपल फॉर्म्स कॉल्ड कम्युनिटीज ऑफ यूजर, ठीक है। तो पहले भी कई टाइप की सोशल नेटवर्किंग साइट थी, जैसे फ्रेंडस्टर हुआ, माई स्पेस हुआ, लेकिन ओरकुट ने यहाँ पर एक और नई चीज़ दी। यहाँ पर आसानी से आप एक फॉर्म्स बना सकते हो, यानी कि जिसको कम्युनिटी बोलते हैं ना, कई सारे यूजर्स आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रुप हो, चाहे वो ऐसे फ्रेंडली ग्रुप हो, चाहे वो रिलेटिव के ग्रुप हो, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ग्रुप बना लेते हैं, फॉर्म्स बना लेते हैं, जिनको कम्युनिटीज कहा जाता है। ओरकुट इज द 8th मोस्ट विजिटेड साइट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया में ओरकुट 8वें नंबर पर है जिसको सबसे ज़्यादा विजिट किया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट विजिटेड साइट इन इंडिया, और इंडिया में भी ये सेकेंड नंबर पर आती है, ठीक है। बात करते हैं फेसबुक की, ठीक है। फेसबुक इज ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन द वेब विथ ओवर 100 मिलियन यूजर वर्ल्ड वाइड, ठीक है।
यूजर्स कैन ऐड फ्रेंड्स एंड सेंड देम मैसेजेस एंड अपडेट देयर पर्सनल प्रोफाइल्स टू नोटिफाई फ्रेंड्स अबाउट देयर अबाउट देम सब। ठीक है, देखो फेसबुक के बारे में वैसे बताना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग सभी जानते हो उसके बारे में, ठीक है ना। तो फेसबुक जो है बहुत ही पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, जिस पर करोड़ों लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना, करोड़ों यूज़र्स हैं जिसके, और यूज़र बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो ये सबसे ईजी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पर आपका एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं करना पड़ता या इसको बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ठीक है, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती इसको बनाने में, ठीक है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है, क्रिएट कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसको फ़ोन पर भी चला सकते हैं, इसको आप आपके सिस्टम या डेस्कटॉप में भी आसानी से चला सकते हो, ठीक है। तो इसको बनाया क्यों गया था, ठीक है, देखो मेनली इसको जो बनाया गया था ना लोगों से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो आप इसमें अपने दोस्तों को कनेक्ट कर सकते हो, उनको मैसेजेस भेज सकते हो, उनकी जो भी पर्सनल प्रोफाइल जो अपडेट करते हैं वो उसको आसानी से देख सकते हो, ठीक है ना, उनके बारे में जान सकते हो जो भी वो शेयर करना चाहते हैं। फेसबुक स्टार्टेड इन 2004 एज अ टूल फॉर कनेक्टिंग स्टूडेंट्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बट इट सून एक्सपेंडेड टू अदर यूनिवर्सिटीज एंड देन टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो फेसबुक को 2004 में बनाया स्टार्ट किया गया था, ठीक है, इसको बनाने का मेन पर्पस था ना वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उनको आपस में कनेक्ट करने का था। इसको जो जिसने बनाया है मार्क जुकरबर्ग जो इसके CEO हैं, ठीक है ना, उन्होंने इसको बनाया था मेनली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। लेकिन इस धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, इसकी ज़रूरत को देखते हुए इसको आगे और बढ़ाया गया, ठीक है, इसको एक्सपेंड किया गया, इसको दूसरी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट किया गया, इसके बाद हाई स्कूल से कनेक्ट किया गया, और फिर जनरल जितने भी यूज़र्स हैं उन सभी लोगों के लिए इसको मतलब जितने भी जनरल यूज़र्स हैं वो सभी इसका यूज़ करने लगे, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लॉगिंग की, ब्लॉगिंग क्या होता है। ब्लॉग्स आर ऑल्सो नोन एज वेबलॉग, देयर आर ओवर 100 मिलियन ब्लॉग्स ऑन द वेब, ठीक है। ब्लॉगिंग इज एन एग्जिस्टिंग एंड डायनेमिक ऑनलाइन मीडियम बाय विच वी कैन पब्लिश, ठीक है। तो ब्लॉग क्या है, ब्लॉग जिसको हम वेबलॉग के नाम से भी जानते हैं, और देखा जाए तो इंटरनेट पर करोड़ों वेबलॉग्स हैं, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा क्या है वेबलॉग्स हैं, या बोला जाए तो 10 करोड़ से ऊपर वेबलॉग्स हैं, ठीक है ना। देखो वेबलॉग क्या होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिस पर आप अपनी न्यूज़ वगैरह कुछ भी जो पब्लिश कराना चाहते हो ना, अपने थॉट्स, अपने आइडिया, जो भी आप लोगों से शेयर करना चाहते हो, ठीक है, वो आसानी से शेयर कर सकते हो। कोई भी आप इसको एक आर्टिकल छाप सकते हो, अपने थॉट्स बता सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। सो आर आइडियाज, ओपिनियंस एंड स्टोरीज ऑनलाइन विथ मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स अवेलेबल ऑन नेट वी कैन रीड विथ अदर्स हैव पब्लिश्ड, ठीक है। तो आपके आइडियाज़ हुए, आपके विचार हुए, आपकी जो स्टोरी है वो भी आप उसको ऑनलाइन शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कई सारे ब्लॉग्स की जो साइट्स हैं वो अवेलेबल हैं, कई सारे ब्लॉग अवेलेबल हैं, ठीक है, इंटरनेट पर, ठीक है, जिनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो पब्लिश किए जा चुके हैं। अब ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट दैट कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली अपडेटेड कलेक्शन ऑफ एंट्रीज, मोस्ट ब्लॉग्स फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट एरिया, ऑल्दो ऑन द मेजोरिटी ऑफ ब्लॉग्स द सब्जेक्ट इज द पर्सन राइटिंग द ब्लॉग, ठीक है। अब देखो जो ब्लॉग है ना उस पर आप अपनी स्टोरीज या फिर कोई भी कंटेंट पब्लिश कर सकते हो, इसको आप बाद में बार बार अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कोई आर्टिकल आपने पब्लिश किया है, ठीक है, और बाद में जाकर इसमें कोई चेंज होता है, ठीक है, तो उस आर्टिकल को आप आसानी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जो ब्लॉग आप बनाते हो वो एक पर्टिकुलर एरिया, यानी कि जो भी कंटेंट आप उसमें डाल रहे हो, ठीक है, सपोज करो आप सोशली रिफॉर्म का कोई कंटेंट डाल रहे हो, आप पॉलिटिकल कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है, जिस टाइप का भी आप कंटेंट डाल रहे हो उस ब्लॉग को कंटेंट के हिसाब से आप उसको अपना नाम दे सकते हो उस ब्लॉग का, ठीक है, या बोल सकते हैं कि कंटेंट उस ब्लॉग का कंटेंट उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है, जिस टाइप का कंटेंट बनाना चाहते हो, चाहे पॉलिटिकली हो, ठीक है, सोशली हो, ठीक है, एजुकेशनल हो, ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट पर आप ब्लॉग बना सकते हो। सो मैनी ब्लॉग्स प्रोवाइड कमेंट्री और न्यूज़ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर देखो कई सारे ऐसे ब्लॉग होते हैं जो कि जिस पर आप कमेंट्री प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, या फिर न्यूज़ प्रोवाइड करा सकते हैं आसानी से। अ टिपिकल ब्लॉग कैबिनेट टेक्स्ट इमेजेस एंड लिंक्स टू अदर ब्लॉग्स वेब पेजेस एंड अदर मीडिया रिलेटेड टू इट्स टॉपिक, ठीक है। अब देखो कोई भी एक सिंपल जो ब्लॉग होता है ना उसमें क्या क्या होता है, उसमें टेक्स्ट होते हैं, उसमें इमेजेस होती हैं, कई सारी लिंक्स होती हैं जिससे आप दूसरे ब्लॉग पर आसानी से जा सकते हो, वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, और दूसरी मीडिया से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है वो उस ब्लॉग पर आप पब्लिश कर सकते हो।
ठीक है। द एंट्रीज दैट अपीयर्स ऑन अ ब्लॉग आर कॉल्ड पोस्ट एंड द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग अ ब्लॉग एंट्री इज कॉल्ड पोस्टिंग। ठीक है, अब देखो जितनी भी एंट्रीज आपके ब्लॉग पर होती है वो पोस्ट कहलाती हैं, जितनी भी आप टेक्स्ट में जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो वो क्या कहलाती है, पोस्ट। ठीक है, और जब आप उसको पब्लिश करते हो तो वो पोस्टिंग कहलाती है, यानी आप जब उसको पोस्ट कर रहे हो यानी कि आप उसको लोगों से शेयर कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, पोस्टिंग। अ सिंगल पर्सन हु मेंटेन मेनली मैनी ब्लॉग इज नोन एज अ ब्लॉगर। ठीक है, वो कोई अगर एक व्यक्ति या एक यूज़र है जो कि कई सारे ब्लॉग को मेंटेन करता है वो क्या कहलाता है, ब्लॉगर। सम ब्लॉग्स अलाउ अदर पीपल टू पोस्ट ओकेशनल एंट्रीज एंड दोज पीपल आर नोन एज गेस्ट ब्लॉगर। ठीक है, कुछ ऐसे ब्लॉगर होते हैं जो कुछ ओकेशन पर अपनी एंट्रीज को पब्लिश कराते हैं, क्योंकि कुछ खास इवेंट होते हैं, कुछ खास न्यूज़ होती हैं जो ये पब्लिश कराते हैं, इनको गेस्ट ब्लॉगर कहा जाता है। देयर आर ऑल्सो मैनी ब्लॉग्स दैट हैव मल्टीपल ऑथर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कई सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं जहाँ पर जिनके कई सारे ऑथर जो होते हैं वो मल्टीपल, यानी बहुत सारे ऑथर्स होते हैं, मल्टीपल ऑथर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स साइट्स क्या होती हैं, ई कॉमर्स क्या होता है, तो ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है। तो ई कॉमर्स समथिंग कॉल्ड ई बिजनेस इज अ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट ऑकर्स एवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ठीक है, देखो कोई भी बिजनेस अगर आप ऑनलाइन चला रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर चला रहा है, तो उसको ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है ना, जिसमें आप अपने जो कि आप इसमें पेमेंट सिस्टम भी देता है, जिसमें आप ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को दे सकते हो। ठीक है, यानी कि इसमें एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। एनीवन विद अ कंप्यूटर कनेक्टेड विद इंटरनेट एंड अ मींस टू पे क्रेडिट कार्ड ETC फॉर परचेज गुड और सर्विस कैन पार्टिसिपेट इन ई कॉमर्स। टू पॉपुलर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स आर शॉपिंग एंड ट्रेडिंग स्टॉक्स। ठीक है, देखो जो भी व्यक्ति इंटरनेट से कनेक्टेड है कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, वो आसानी से ई कॉमर्स साइट्स पर जा सकता है, यानी कि वहाँ पर कोई भी चीज़ परचेस कर सकता है, उसका पेमेंट कर सकता है, पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ई कॉमर्स कहलाता है। देखो यहाँ पर अब दो पॉपुलर साइट्स पॉपुलर टाइप हैं ई कॉमर्स के, जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हो और ट्रेडिंग स्टॉक, ठीक है, स्टॉक को आसानी से ट्रेड कर सकते हो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स डिवोटेड टू ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, जहाँ पर कई सारी हज़ारों वेबसाइट्स हैं जिस पर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। सम साइट्स फोकस ऑन वन प्रोडक्ट्स और सर्विस सच एज बुक्स और ट्रेवल्स, वेयर एज अदर साइट्स ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो कुछ ऐसी पर्टिकुलर साइट्स होती हैं जो कि एक ही टाइप के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती हैं और आप वहाँ से एक ही टाइप के प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। ठीक है, मानकर चलो कोई कपड़े की साइट है जिस पर उसी ब्रांड का कपड़े मिलते हैं या उसी कंपनी के कपड़े मिलते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से एक ही टाइप के कपड़े खरीद सकते हैं। लेकिन कई सारी साइट्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत सारी कंपनी के, मल्टीपल कंपनीज के वहाँ पर प्रोडक्ट्स को शो करते हैं, उनको आसानी से आप परचेस कर सकते हो। जैसे अमेज़न एक ऐसी सी साइट्स है जिस पर आप कई सारे अलग अलग ब्रांड के कपड़े या मोबाइल से जो भी शूज़ वगैरह आप परचेस करना चाहते हो आसानी से वहाँ पर देख सकते हो, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और आसानी से उसको परचेस कर सकते हो। ऐसी फ्लिपकार्ट भी एक साइट है, ठीक है, जो कि कई सारी कंपनियों की प्रोडक्ट को वहाँ पर लिस्ट करता है, जिसको आसानी से आप वहाँ पर खरीद सकते हो। ठीक है, द बेब इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेस टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ ट्रांजेक्शन कैन ऑकर क्विकली एंड ग्लोबली विथ ई कॉमर्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम इज सेव्ड बाय दिस एक्टिविटी। ठीक है, अब देखो जो इंटरनेट है जहाँ पर आसानी से आप कोई भी चीज़ बेच सकते हो, कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, कोई भी सर्विस ले सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन यानी पेमेंट है वो जल्दी हो जाता है, आसानी से हो सकता है। ठीक है, आप एक जगह से बैठ कर पूरी दुनिया में कहीं पर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जिससे आपका समय भी बचता है और आपकी मेहनत भी बचती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर थर्ड आज यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए।